हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप कैसे वेब स्क्रैपिंग कर सकते हो और कैसे आप किसी वेबसाइट से डेटा को उठा सकते हो। ठीक है, सो बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये इलीगल है या इलीगल है। वो बेसिकली आप पे डिपेंड करता है कि आप वेब स्क्रैपिंग किस वजह से कर रहे हो। ठीक है, वेब स्क्रैपिंग बेसिकली इलीगल नहीं है। अगर वो इलीगल होता तो उसके जो मॉड्यूल्स है लाइक चेरियो पपेटियर वो मतलब पब्लिक नहीं रहते। ठीक है, ये लीगल है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस डेटा को कितना सारा डेटा उठा रहे हो एंड वो डेटा को कहाँ यूज़ कर रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आप अगर फेसबुक को स्क्रैप करते हो और उसका कोई वीडियो मतलब डाउनलोड करने की कोशिश करते हो तो वो टेक्निकली इलीगल है क्योंकि फेसबुक ये सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, लेकिन आप बेसिकली आप अगर वेबसाइट को स्क्रैप करके उससे सिर्फ कुछ टेक्स्ट या कुछ इमेज को उठा रहे हो तो वो किसी हद तक लीगल है। लेकिन आप अगर किसी ऐसा समझो कि आप अगर किसी मतलब इमेज पब्लिशिंग साइट लाइक डेबियन आर्ट से कुछ इमेज को उठा रहे हो तो वो इलीगली होगा क्योंकि डेबियन आर्ट में लोग मतलब अपने आर्ट को शेयर करते हैं। ठीक है, वो मतलब डाउनलोड के लिए नहीं होता है कि आप ऐसे डाउनलोड करके या आप उसे स्क्रैप करके किसी भी जगह में प्रोजेक्ट कर दो या किसी भी API बना दो, कुछ भी कर दो। ये मतलब ऐसा होता है कि ये लीगल है इलीगल है, ये पूरा आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो स्क्रैपिंग का बेसिकली मैं इस वीडियो में एक्सियोस एंड चेरियो का यूज़ करने वाला हूँ। तो एक्सियोस है एक HTTP क्लाइंट, इससे आप गेट पुट पोस्ट पैच डिलीट एक्सेट्रा मतलब रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो इतना सब आप लोगों के जानने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो इसका डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो एक्सियोस का। एंड एक्सियोस का एक अल्टरनेटिव है वो है रिक्वेस्ट, बट वो डुप्लीकेट हो चुका है। तो मैं लेटेस्ट मॉड्यूल ही यूज़ करने वाला हूँ तो मैं रिक्वेस्ट को अभी छोड़ ही देता हूँ। तो नेक्स्ट वन इज चेरियो। ओके, सो चेरियो इज़ बेसिकली HTML पार्सर। इसमें आप किसी भी XML या HTML डॉक्यूमेंट को पार्स कर सकते हो और उसे फिल्टर आउट करके उसमें से कुछ डेटा को आप उठा सकते हो। सो ये बहुत ही मतलब एडवांस है, तो आप इसका डॉक्यूमेंटेशन भी रेफर कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा जानना हो। मैं आपको इस वीडियो में सर बेसिक दिखाऊंगा कि आप कैसे बेसिकली कर सकते हो, कैसे ये काम करता है। ठीक है, सो पहले मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ मेरे डेस्कटॉप पे। चलो अब मैं इसमें VS Code को खोल लेता हूँ। तो VS Code लोड हो गया, अब मुझे VS Code का टर्मिनल ओपन करके एक नया Node.js ऐप को क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए मैं करूँगा npm init -y, इससे क्या होगा एक Node.js एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगा। तो मेरा पैकेज Node.json आ गया है, अब मैं इसमें मॉड्यूल्स भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो मैं पहले एक्सियोस एंड चेरियो को इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो मेरा बीच में थोड़ा इंटरनेट कट गया था और आप देख सकते हो कि मैंने फिर से रन किया तो मेरा इंस्टॉल हो गया है। और अगर मैं पैकेट ऑप्शन में जाऊँ तो आप देख सकते हो एक्सियोस एंड चेरियो आ चुका है। तो अब मैं मेरा कोड से स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, सो मुझे पहले एक index.js बनाना पड़ेगा। आप कोई भी फाइल बना सकते हो, जो भी फाइल बनाओ जस्ट package.json में मेन में उस फाइल का नाम डाल देना। एंड टेस्ट में मुझे एक स्टार्ट स्क्रिप्ट डालना होगा, इससे npm स्टार्ट करके मैं इसे स्टार्ट कर सकता हूँ। नोड index.js मैं इसे स्टार्ट करूँगा इसे। तो जब भी मैं यहाँ पर npm स्टार्ट लिखूँगा तो ये वो index.js को स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अभी मैं नहीं कर रहा। तो चलो आप इसे इंपोर्ट करके यूज़ करते हैं। तो एक्सियोस एंड चेरियो का मैंने इंपोर्ट कर लिया है। तो अब मुझे क्या करना होगा, एक टारगेट वेबसाइट ढूंढना होगा। चलो मैं पहले Gadget 6 को ही दिखाता हूँ। एक वेबसाइट है जहाँ पर आप मतलब टेक्निकल न्यूज़ या बहुत कुछ कर सकते हो। सो चलो इस वेबसाइट को ही स्क्रैप करते हैं। तो मैं न्यूज़ में जाता हूँ, देखता हूँ। तो चलो ये है टेक्निकल न्यूज़। तो मैं Gadget 360 का टेक न्यूज़ को स्क्रैप करूँगा अभी आपके सामने। तो लेट्स सी। तो उसके लिए पहले मुझे एक एसिंक्रोनस फंक्शन क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहले फंक्शन को बना लेता हूँ। ओके, फंक्शन तो बन गया। ये है, इसे कहते हैं एनोनिमस फंक्शन। ओके, इसमें कोई नाम नहीं होता। आप एक दूसरी तरह का भी फंक्शन होता है जिसे कहते हैं कि नेम्ड फंक्शन, जो होता है एसिंक। ये होता है नेम्ड फंक्शन। ठीक है, सॉरी नॉट थर्ड ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट। सो ये होता है नेम्ड फंक्शन।
इन दोनों का एप्लीकेशन थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मतलब आप लोगों को दिखाने के लिए ये NOMS फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन नेम फंक्शन में ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। तो चलो आप मुझे एक URL भी सेट करना होगा कि किस URL में जाना होगा। तो URL इक्वल टू मैं ये URL डाल देता हूँ। तो आप मुझे एक्सियस का यूज़ करके इस रिस्पॉन्स को लेना होगा, ठीक है। तो चलो इससे क्या होगा कि ये एक्सियस से गेट ट्रिम मेथड का यूज़ करके इसमें से जो HTML है उसे डाउनलोड करके लाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि ये काम कर रहे हैं या नहीं, कंसोल लॉग करके देखते हैं। तो मैं अगर इसे NPM स्टार्ट करूं तो चलो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो है पूरा HTML आ चुका है। तो अब मुझे क्या करना होगा, इस HTML को एक फाइल में सेव करना होगा ताकि मैं इसे फर्दर फेच कर सकूँ, ठीक है। सो इसके लिए मुझे FS को इंपोर्ट करना होगा। सो कॉन्स्ट FS इक्वल FS, चलो हो गया। अब FS से मैं इस डेटा को जल्दी जल्दी स्टोर कर लेता हूँ। चलो हो गया। अब मैं अगर इसे स्टार्ट करूँ तो ये इस डेटा को HTML फाइल में सेव कर देगा। तो हमारा HTML आ चुका है, सॉरी, तो हमारा HTML पूरा आ चुका है। इसे थोड़ा फॉर्मेट कर लेता हूँ मैं। चलो ये फॉर्मेट हो चुका है। ये जो है ये देखो, ये जो यहाँ पर डेटा दिख रहा है, ये देखो ये जो दिख रहा है ये पूरा डेटा यहाँ पर प्रेजेंट है। तो डेटा हमने स्टोर कर लिया। अभी हमें क्या करना होगा, इसके मेन HTML पेज में आना होगा और इसे इंस्पेक्ट करना होगा, ठीक है। सो इंस्पेक्ट करके हमें ये देखना होगा कि ये जो है एक किस एलिमेंट के अंदर आता है। तो इससे पहले हमें ये इस माउस पॉइंटर को सिलेक्ट करना होगा और इसके ऊपर से होवर करना होगा। तो ये रहा इसका एलिमेंट, इसका नाम है कॉन्टेंट सेक्शन। चलो थोड़ा और अंदर जाते हैं, देखते हैं कि ये कहाँ पर है। तो चलो हमें मिल गया है, ये है इसका एलिमेंट। तो इसे चलो सर्च करके देखते हैं कि ये मतलब हमारे डेटा में प्रेजेंट है या नहीं। तो चलो हमें मिल गया है, ओके। सो ये है इसका एलिमेंट जिसे हमें ढूंढना होगा। सो इसे पार्स करने के लिए हमें पहले क्या करना होगा कि हमें चिड़ियों का यूज़ करना होगा। तो चिड़ियों का यूज़ करने के लिए कॉन्स्ट, सॉरी, कॉन्स्ट डॉलर इक्वल टू चिड़ियों डॉट लोड, सॉरी, एंड डेटा डॉट डेटा। ये एक्सियस का डेटा यूज करने का मेथड होता है। अब अगर आप ऐसे रेज देते हो तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, रेज डॉट डेटा, जो भी यहाँ पर नाम दोगे वो नाम डॉट डेटा। इससे क्या होगा, ये डेटा फेच होगा एक्सियस से, मतलब ये एक्सियस का डेटा लेके इसे पार्स करेगा, ठीक है। सो अब क्या करना होगा हमें कि चलो हम कॉन्स्ट डेटा वन इक्वल टू डेटा ये है उसका। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हम HTML में जाए, तो रुको मैं कट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर तीन क्लास है, एक क्लास ये है, एक क्लास ये है और एक क्लास ये है। तो अगर मुझे एक क्लास यूज़ करना होता है यहाँ पर, सपोज मैं यहाँ पर सिर्फ इस क्लास को से मैं कट कर दे, तो सपोज मैं इस क्लास को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे सिर्फ डॉट, आप जानते हो कि CSS में हम डॉट से क्लास को डिफाइन मतलब सिलेक्ट करते हैं, तो आपको यहाँ पर डॉट यूज़ करना होता मतलब एक क्लास के लिए, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर तीन क्लास यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको पहले इनका बीच का जो स्पेस है उसे हटाना कर इसके बीच में भी डॉट लगाना होगा, ठीक है। जितने भी क्लास है उसके बीच बीच में आपको डॉट लगाना होगा, ये हो गया। अब मैं इसका मतलब डेटा वन को चलो कंसोल लॉग करके देखता हूँ कि ये आता है या नहीं। चलो अभी देखते हैं कि ये डेटा ठीक है या नहीं। तो मैं पहले टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ, ये हो गया क्लियर। अभी आप देखो क्या होता है। तो अगर मैं NPM स्टार्ट करता हूँ,
तो ये देखो रिस्पॉन्स दे रहा है। अब किस तरीके का दे रहा है ये आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस समझो कि ये डॉट html लिखता हूँ तो ये html को ही प्रिंट करेगा, ठीक है। तो चलो दिखा देता हूँ आप लोगों को। इससे पहले मैं टर्मिनल को क्लियर करता हूँ, अब देखो क्या होता है। देखा पूरा मतलब जो html उतने से पोर्शन में था ये पूरा html को इसने निकाल के दे दिया है हमें। अब हमें क्या करना होगा, इस html को पार्स करके डेटा को निकालना होगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले हमें एक एरे बनाना होगा, कॉन्स्ट लेस एरे में हम रिजल्ट को स्टोर ना सॉरी ये कॉन्स्ट नहीं होगा, अगर कॉन्स्ट करेंगे तो एडिटेबल नहीं होगा, डिलीट करते हैं इसे। चलो हो गया। अब हमें क्या करना होगा कि एक ऐसे एलिमेंट को चूज करना होगा जो मतलब बार बार रिपीटेशन हो रहा है। चलो देखते हैं न्यूज लिस्टिंग। अगर हम न्यूज लिस्टिंग को सिलेक्ट करते हैं ये 22 बार रिपीट हो रहा है। अगर हम कैप्शन बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं ये 21 बार रिपीट हो रहा है। चलो देखते हैं। ओके सो कैश बॉक्स कैप्शन बॉक्स का डीप यहाँ पर शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म होता है। तो इसमें क्या क्या एलिमेंट है, इसमें इसका hrep भी है, इसका डेटा भी है, और इसका जो इमेज है ये थोड़ा ऊपर है। तो इमेज के लिए हमें इस एलिमेंट को ही लेना होगा, और कैप्शन के लिए मतलब ये डेटा के लिए हमें कैप्शन बॉक्स को लेना होगा। तो चलो करके देखते हैं क्या होता है। तो पहले तो इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि ये अब नेसेसरी नहीं है। अब मुझे क्या करना होगा कि ये डेटा रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। तो अब मुझे हर एक रिपीटेड डेटा को लेना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, डेटा टू डॉट ईच एचडीओ का एक मेथड है, एंड ये मेथड सिलेक्ट करेगा आई एंड ई एल दो एलिमेंट को, ठीक है। आई एंड ई एल, आई होता है इंडेक्स एंड ई एल होता है एलिमेंट। ये जाएगा एरो फंक्शन। ये अब यहाँ पर मुझे कोड को लिखना होगा कि चलो पहले हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, इस hrep को सिलेक्ट करते हैं। ईच रेप को सिलेक्ट करके मतलब हर एक जो आर्टिकल आर्टिकल के लिंक को एरे में स्टोर करके देखते हैं कि कैसे होता है। तो कॉन्स्ट ईच रेप लिंक इक्वल टू आपको इस एलिमेंट से सिलेक्ट करना होगा। सो डॉलर ई एल डॉट, अब ये आपको दिख रहा है कि ये hrep है, ठीक है। तो hrep होता है एक ये जो होता है एंकर टैग, एंड hrep होता है एक एलिमेंट। सो आपको el डॉट फाइंड, यहाँ पर आपको a को फाइंड करना है, एंड इसका जो एट्रीब्यूट है एट्रीब्यूट होगा hrep। तो चलो हम इसे देखते रन करके कि ये क्या आउटपुट देता है। तो अब मुझे इसे पुश भी करना है एरे में। चलो हमने इसे पुश कर दिया। अब रेसर को कंसोल करके देखते हैं कि क्या आउटपुट देता है। तो टर्मिनल को मैं क्लियर कर लेता हूँ, और अगर इसे मैं इनपे स्टार्ट किया, देखो हर एक मतलब जो भी था यहाँ पर जो जो आर्टिकल था वो सारे का जो hrep लिंक है वो यहाँ पर लिस्ट आउट हो गया है। तो अगर आपको दिखाने के लिए मैं अगर किसी पे भी क्लिक करके देखता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये जो पेज था इसका ही लिंक है। ये देखो अगर मैं इसमें जाता हूँ तो ये देखो यही वेबसाइट है जो यहाँ पर खुला है, मतलब यही लिंक है, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया कि मतलब कैसे स्टोर होता है। तो आप चलो मैं बाकी डेटा को भी स्टोर कर लेता हूँ एक के बाद एक।
ये हो गया हमारा एक एलिमेंट। तो अब हमें इसका टेक्स्ट को ही स्टोर करना है, तो आर्टिकल इक्वल टू अब न्यूज लिस्टिंग। इसके अंदर आप देख सकते हो एवीए एंड क्लास है न्यूज लिस्टिंग। तो अगर मैं सपोज इसका टेक्स्ट को मैं निकालना चाहता हूँ, तो मुझे जस्ट न्यूज लिस्टिंग का ही मैं सर्च करके एक बार देख लेता हूँ कि इससे आता है या नहीं। ये ना पूरा मतलब हिट ना नहीं, इसका कोई एग्जैक्ट मेथड नहीं होता। तो ये क्योंकि क्लास नेम है तो मैं इसे डॉट करके यूज करूंगा। एंड मुझे इसका टेक्स्ट चाहिए तो मैं इसे इसके बाद आखिर में एक डॉट टेक्स्ट भी लिख दूंगा, ताकि एक्स चिड़ियों को समझ आए कि मुझे टेक्स्ट ही चाहिए इसका। और मुझे डेटा करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जिसमें होगा एच रेपलिंग एंड आर्टिकल। अब जो पुश होगा वो डेटा को पुश करेगा। चलो अब देखते हैं इसे रन करके कि क्या आउटपुट देता है। चलो हम कंसोल को पहले क्लियर कर लेते। अब अगर मैं रन करूं तो चलो मेरा जो काम है वो कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हो कि ये जो टेक्स्ट है और यहाँ पर जो टेक्स्ट है ये पूरा सेम है। आप देख लो कोई भी, ये है मेटा ओपन एआई सीईओ। आप यहाँ पर जाओ सेकंड वाला मेटा ओपन एआई सीईओ एक्सप्रेस यही है। थर्ड वाला क्या है ईयू इंडस्ट्रीज। थर्ड वाला क्या है ईयू इंडस्ट्री। तो ये जो है पूरा डेटा उस वेबसाइट से लेके यहाँ पर एज एन एरे रिटर्न कर रहा है, देख लो। तो अब आप इसे कैसे फेच कर सकते हो, आप मतलब सिंपल जो एरे का इंडेक्स होता है ऐसे इस डेटा को आप ले सकते हो। तो ये मतलब बहुत ही ईजी है, लेकिन इसे आपको हिट एंड रन करके मतलब टेस्ट करना होगा, ठीक है। इसका कोई एग्जैक्ट मेथड नहीं होता है कि मतलब इस वेबसाइट को मुझे स्क्रैप करना है तो ये कैसे होगा, आपको इसे ट्राई कर करके ही देखना होगा। तो दोस्तों यही था मेरा आज का वीडियो। तो आई होप आपको मेरा फर्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो अच्छा लगा, क्योंकि यही मेरा टेक्निकली फर्स्ट ट्यूटोरियल है जो मतलब मैंने बॉट के ऊपर नहीं बनाया है, मतलब किसी तरह का डिप्लॉय मेथड के ऊपर नहीं है, ये प्योर ट्यूटोरियल वीडियो है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो मैं इसका पार्ट टू भी रिसेंटली बना दूंगा कि आप कैसे किसी हैवी वेट वेबसाइट लाइक इंस्टाग्राम फेसबुक इस टाइप की वेबसाइट को कैसे स्क्रैप कर पाओगे। तो इसका भी ऊपर मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। तो चलो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अंटिल द एंड। थैंक यू।